परफॉर्मेंस वगैरह नहीं है। अरे क्या इवेंट, क्या पहले ये बता दो इवेंट क्या है ये? हाँ क्या है क्रिकेट का कुछ कहना चाहूँगा कि आज जो ट्रिप नाइट सेलिब्रेशन है MPL हुआ है हाल ही में, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग के आधार से है, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से क्रिकेटर्स और यू नो ग्लैमर इंडस्ट्री से मुलाकात होगी, ग्लैमर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक क्रिकेट और ग्लैमर शुरू से ही साथ में चलते रहे हैं, वो आज से नहीं पटौड़ी जी के सामने से टाइम से और अजहर के टाइम से, बट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह के नए नए इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे IPL ऑलरेडी आके काफ़ी सारे क्रिकेटर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है और काफ़ी स्कोप लेके आया है प्लेयर्स के लिए, जो हमारे जो क्रिकेट का इतना टैलेंट है हमारे इंडिया में, उनको बहुत चांस मिल रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए। और अब आ गया है मुंबई प्रीमियर लीग, जहाँ पे छोटे छोटे यू नो मुंबई की सिटी के अंदर से ही जो प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं, और कोशिश तो यही सबकी होती है कि इंडियन टीम के लिए खेले, पर अगर नहीं भी पहुंच पाते हैं वहाँ तो एटलीस्ट उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो प्रूव कर सकते हैं, और ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप कितना एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, और काफ़ी बार बैरल आए, बैरल में क्या यूनिकनेस नज़र आता है, कितना डिफरेंस नज़र आता है? मैं क्रिकेट कितना एंजॉय करता हूँ, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। आई थिंक इंडियन में जितने भी लोग हैं इंडिया में वो उनके खून में रग रग में आई थिंक क्रिकेट होता है। द फर्स्ट थिंग दैट वी एवर लर्न इज बेसिकली वॉचिंग अ मैच एंड यू नो चीयरिंग फॉर इंडियन टीम। सो आई थिंक क्रिकेट हर किसी को पसंद है। So I've just recently signed by ANTV again. Thankfully, I had a very successful run with them for 2 years doing Santoshima, and they have got me back in their show called Lagni Fera, which I'm doing, and that's why there's a new look altogether. This beard and this mustache, which is very weird, kind of. But yeah, but that's for my character, and I'm really enjoying doing that. ट्रिप नाइट के बारे में मुंबई नॉर्थ ईस्ट जो अब हो रहा है, पैरल का एनवायरमेंट बताइए और बताइए कि हाल ही में वो कितना बड़ा चेंज है और कितना पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट था ये हम लोग के लिए, और जब हम लोग ने टूर्नामेंट स्टार्ट किया तो हम लोग का एक ही गोल था कि ऑब्वियसली ये ट्रॉफी जीतना है और एक मार्क करना है टूर्नामेंट में, क्योंकि सबको पता होता है कि जब टूर्नामेंट कोई भी स्टार्ट होता है बड़ा लीग, तो फर्स्ट टीम जो जीतता है कोई भी ट्रॉफी वो लोगों को हमेशा याद रहता है, और वही हम लोग का कोशिश था फर्स्ट गेम से। और जैसे हम लोग फर्स्ट गेम जीते, हम लोग को एक दूसरे में भरोसा आने लगा, हम लोग एक दूसरे का कंपनी एंजॉय करने लगे, टाइम स्पेंड करने लगे सब लोग साथ में, और एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीकनेस जो भी है वो हम लोग जानने लगे, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। और MCA ने भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया सब प्लेयर्स को अपना अपना टैलेंट दिखाने का, और जैसे कि आपने देखा बहुत सारे प्लेयर्स लोग आगे आए हमारे टीम से दूसरे टीम से, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था, और जीते तो इट वाज लाइक क्या बोलते हैं आइसिंग ऑन केक के जैसा होगा। सचिन भी ने सपोर्ट किया था, एमपीएल क्या कहना चाहेंगे, वो कितना बड़ा स्टेप था सचिन का सपोर्ट था? मेरे ख्याल से इतने बड़े प्लेयर ने इतने बड़े लीग को सपोर्ट किया है, वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम इस लीग ये जो लीग है उससे जुड़ गया, ये बहुत बड़ी बात है। और वो देख के जो प्लेयर्स लोग ने अपना अपना ए गेम आगे लाया है, जो परफॉर्मेंस दिखाया है जो उनको शायद लोकल क्रिकेट और क्लब क्रिकेट में नहीं हो पाता था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, और जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया ये लीग को, जिस तरह से आगे लाया उन्होंने और MCA ने और सब ने मिल के, तो बहुत अच्छा चांस था, और बहुत अच्छा मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं एक्सपोजर भी अच्छा था। और IPL चल रहा है, मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस का कितना चांस है इस पर, किस तरह से टीम का जो कम्बिनेशन है वो कैसे, मतलब वो जो IPL का टूर्नामेंट है उसके लिए जाएगा और कैसे चैलेंज फेस करेगा? मेरे हिसाब से टीम जो है मुंबई इंडियंस की जो कोर टीम है वो सेम ही है, और जो प्लेयर्स अभी खेल रहे जैसे कि मैं वापस आ गया हूँ, और भी 3-4 प्लेयर है वापस आ गया, तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं सब लोग। ठीक है, फर्स्ट गेम हमारा थोड़ा ठीक नहीं गया, बट उसमें से बहुत सारे पॉजिटिव्स लिए हम लोग ने आगे टूर्नामेंट में। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, खाली एक स्टार्ट है, तो
जैसे कि आपने देखा कुछ सालों पहले जब टूर्नामेंट मतलब चल रहा था तो फर्स्ट एक दो गेम ठीक नहीं गए थे, लेकिन जैसे जैसे मोमेंटम पकड़ा तो आगे जाके चैंपियन हुए, तो वैसे ही हम लोग ट्राई करेंगे मोमेंटम बिल्ड करने नेक्स्ट गेम से और ऑब्वियसली ट्राई करेंगे फोर्थ टाइम ट्रॉफी जीतने के लिए। थैंक यू सर। सर राइट में शिवम दिसत नाही कोण शिवम 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 किती रे शिवम आगे आगे हल्ली बस हा पहिले व्हॉट्सअप मे निकाल दो भाई सर क्या कर सकते सर सर लोकर इकडे सर सर प्रॉब्लम कसं आहे आपण ते लांब सर मैं क्या बोलता हूँ इधर बीच में खड़ा करो ना सब आ जाएंगे सर सर इधर बीच में खड़ा करो ना सब आ जाएंगे इधर कैमरा पीछे ले लो ना दो मिनट हल्दी 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 जी सी खाली ठीक है ठीक है ना इधर देखना छूटा नहीं ना आपने सब आ रहे देवांशु अच्छा वाला नहीं लेकर आई क्या?